हाँ तो हम कल बात कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर विद्युतीय की चैप्टर के बारे में बात कर रहे थे हम, और हमने आवेश के बारे में काफी कुछ चीजों को हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक इसमें रह जाता है जो आपने आपको मोस्ट लोग सबको भी पता ही होगा, पदार्थों का एक वर्गीकरण रह जाता है। ठीक है, तो पदार्थों का जो वर्गीकरण है वो तीन तरीके से होता है। पदार्थों का वर्गीकरण जो पहला जो वर्गीकरण है वो है आपका सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ दूसरा जो है वर्गीकरण आपका कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ इस टॉपिक को हम लास्ट जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें वापस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको थोड़ा सा बहुत डिटेल पढ़ लेते हैं। और एक है आपका अर्धचालक पदार्थ। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब नाम से ही क्लियर हो जाएगा सुचालक पदार्थ किसको कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो आसानी से होता है वो कहलाते हैं आपके सुचालक पदार्थ। तो इसके एग्जांपल क्या होंगे, सोना, ये आपने 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा आदि। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है या जो अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो आसानी से होने देते हैं वो कहलाते हैं आपके सुचालक पदार्थ। दूसरा है आपका कुचालक पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है या जो अपने अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते वो कहलाते हैं आपके कुचालक पदार्थ। और इसके एग्जांपल होंगे आपके रबर, प्लास्टिक और एबोनाइट आदि। रबर, प्लास्टिक, एबोनाइट, वैसे बहुत सारे एग्जांपल है। ठीक, एबोनाइट आदि, प्लास्टिक और रबर जो है आपका विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं जो लाइट वगैरह पे काम करते हैं वो हमेशा रबर के दस्ताने पहनते हैं, जो हमारे स्विच वगैरह है वो प्लास्टिक, जिसको एक कहते हैं बेकेलाइट, प्लास्टिक जो होता है हमारा स्विच वो बेकेलाइट से बना होता है। और बेकेलाइट एक्चुअली में क्या है, प्लास्टिक ही है जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता, इसलिए जब हम स्विच वगैरह चालू करते हैं तो हमको कोई झटका नहीं लगता क्योंकि वो क्या है, प्लास्टिक ही है। ठीक है, ये बेकेलाइट वगैरह आप केमिस्ट्री क्लास में पढ़ोगे, इस पर डिस्कस करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा ये है एक मोस्ट एग्जांपल है आपका बेकेलाइट। और तीसरा जो है आपका वो है आपका अर्धचालक पदार्थ, ये आपके लिए एक नई चीज है। और वो इस तरह से है कि ऐसे पदार्थ जो आपके चालक, सुचालक को चालक भी कह सकते हैं, जो आपके चालक और कुचालक दोनों के बीच के गुण की समानता रखते हैं, जो चालक और कुचालक के बीच की गुणधर्म को रखते हैं वो कहलाते हैं आपके, जो चालक और कुचालक के बीच के जो गुणधर्म रखते हैं वो अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। और इसका सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो आगे के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, वो है आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। कुछ अदर एग्जांपल भी है, गैलियम फॉस्फाइड है, गैलियम आर्सेनाइड है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो मोस्टली यूज आते हैं वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, तो नोट डाउन कर लीजिए।
हाँ तो अब हम बात करते हैं, हमने आवेश के सभी गुणधर्म के बारे में बात कर ली है और हम स्टार्टिंग में एक चीज लेके चल रहे थे कि आवेश का जो है हमारा द्रव्यमान से संबंध रहता है, तो आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है इस चीज को अपन देखते हैं। तो इस चीज को हम एक टेबल के फॉर्म में टेबुलेट कर लेते हैं कि किस चीज में क्या है। ठीक है, हम एक टेबल फॉर्म में बना रहे हैं, एक साइड में हम द्रव्यमान मास के बारे में बात कर रहे हैं और एक साइड हम आवेश ले रहे हैं। टेबल की फॉर्म में इसमें आप नोट डाउन करते जाइएगा साथ के साथ। तो सबसे पहले जो है द्रव्यमान जो है आपका क्वांटीकृत राशि नहीं है। द्रव्यमान एक क्वांटीकृत राशि नहीं है, राशि नहीं है, जबकि आवेश जो है आपका वो एक क्वांटीकृत राशि है। आवेश जो है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आवेश एक क्वांटीकृत राशि है। द्रव्यमान की जो प्रकृति है उसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, द्रव्यमान की प्रकृति को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, जबकि आवेश की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। इसके बाद द्रव्यमान में जो है हमेशा आकर्षण बल लगता है, द्रव्यमान में दो वस्तुओं के मध्य हमेशा हमेशा आकर्षण बल लगता है। मैं आपको इससे कुछ पीछे ले जाना चाहूंगा, क्लास 11th में जब हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था, या आपने पढ़ा होगा तो आपने प्रकृति के चार मूल बलों के बारे में पढ़ा होगा, जो थे आपके गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो जहां पर हमने पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हमेशा दो पिंडों के बीच में लगता है, यानी तो प्लैनेट्स के बीच में, यानी ब्रह्मांड के बाहर लगेगा, तो वो हमेशा दो द्रव्यमान के बीच में लगता है। ठीक है, उसके लिए एक कंडीशन भी होनी चाहिए कि जो द्रव्यमान है, एक वस्तु का द्रव्यमान दूसरी वस्तु के द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए, तो कोई भी पिंड दूसरे पिंड को है ना जो है आकर्षण बल के द्वारा ही बांधे रखता है। तो एक इम्पोर्टेंट हो गया कि द्रव्यमान में दो वस्तुओं के बीच में हमेशा जो है आकर्षण बल ही लगता है, और जबकि आवेश के लिए ये चीज नहीं है। इसमें आवेश में आकर्षण के साथ साथ प्रतिकर्षण बल भी लगता है, क्योंकि ये दो आवेशों के मध्य लगता है, इसलिए आवेशों की प्रकृति जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो आवेश में आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण पाए जाते हैं, आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के गुण पाए जाते हैं।
और आपको पता है आवेश दो प्रकार का होता है, आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋण आवेश। चौथा पॉइंट, इसकी वेग पर किसकी क्या निर्भरता है? तो आवेश जो है आपका, इससे पहले हमें बात कर ली थी कि आवेश जो है एक निर्भर राशि है, वो वेग पर निर्भर नहीं करती है। यानी आवेश जो है, आवेश एक निरपेक्ष राशि है, यानी जो शिशु विराम अवस्था में किसी आवेश का जो मान होगा विराम अवस्था में, वही मान उसी आवेश का गति की अवस्था में भी होगा। जबकि इसका जस्ट उल्टा है द्रव्यमान में, कि द्रव्यमान एक सापेक्ष राशि है, द्रव्यमान एक सापेक्ष राशि है और m गतिज गतिज ऊर्जा का जो द्रव्यमान है वो स्थिर से स्थिर वस्तु के द्रव्यमान से हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और एक चीज है वो है कि कोई आपका जो कण है अगर वो प्रकाश की वेग से गति कर रहा है तो भी आप उसका द्रव्यमान निकाल सकते हो। द्रव्यमान हमने इससे पहले भी देखा था कि आइंस्टीन के सापेक्षिकता के सिद्धांत से, थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी से उसका जो फॉर्मूला निकला था वो था 1 - v² / c². ये कंडीशन है आपकी, जब आपका कर्ण जो है वो प्रकाश के वेग से अगर गति करता है तो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद है कि जो आपका पांचवा पॉइंट है कि द्रव्यमान जो एक संरक्षित राशि नहीं है, द्रव्यमान एक संरक्षित राशि नहीं है। हमने आइंस्टीन का एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो बहुत फेमस है, E=mc² ठीक है, तो E=mc² है, इसमें मास जो है वो चेंज होता रहता है हर एक स्टेज पे, इसलिए द्रव्यमान जो है हमारी एक संरक्षित राशि नहीं है। और इसका जस्ट अपोजिट जो है आवेश जो है हमारा एक संरक्षित राशि है, आवेश एक इस चीज को नहीं लिखे तो भी चलेगा कि आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंध है। ठीक है, एक दूसरे को रिलेट कर ही रहे। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट था। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट पे बात करते हैं तो जो आवेश है द्रव्यमान जो है हमारा एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि है, द्रव्यमान एक मूल राशि, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि हमने क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस की। एक व्युत्पन्न राशि, द्रव्यमान को आप किलोग्राम मात्रक में तोल सकते हैं। इसका मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। इसको आप किलोग्राम में, ग्राम में, सबसे छोटी ग्राम में। ठीक है, इसके बाद सबसे जो बेसिक है वो आपकी किलोग्राम में इसमें माप सकते हैं। जबकि जो आवेश है
आवेश को आप कूलाम में मापते हो, कूलाम में व्यक्त करते हो। इसकी यूनिट हमने इससे पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है, जो इसकी बेसिक यूनिट है वो आपकी है कूलाम। इसके बाद एक चीज रह जाती है कि जो आवेश है हम वो किससे ज्ञात कर सकते हैं, तो आवेश को ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, ठीक है। तो इसका आठवां पॉइंट इस तरह से बन जाता है कि किसी वस्तु का जो आवेश है उसको हम वोल्टमीटर से नाप सकते हैं, अमीटर से नाप सकते हैं, या एक डिवाइस बने हैं इसका नाम है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे आवेशन की विधियों के बाद कि इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज होती है। तो आवेश को जो है आवेश का मापन जो है वो अमीटर, वोल्टमीटर या तथा इलेक्ट्रोस्कोप इत्यादि के द्वारा किया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ये कुछ बेसिक से अंतर है जो आपको याद रहना चाहिए द्रव्यमान और आवेश के बीच में, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए।